प्रदेश के मुरादाबाद में चेयरमैन द्वारा पत्रकार से की गई अभद्रता। दरअसल पत्रकार ने सड़क निर्माण में पुरानी ईंट लगाने के बारे में जानकारी मांगी, जिसके बाद चेयरमैन आग बबूला हो गए। आपको बता दें, मामला मुरादाबाद जनपद के उमरी कला नगर पंचायत का है, जहां के चेयरमैन मोहम्मद शहजाद किसी सड़क के निर्माण में पुरानी ईंटें लगवा रहे थे, जिसकी जानकारी पत्रकार नदीम अहमद ने फोन पर मांगी, जिस पर चेयरमैन आग बबूला हो गए। आप खुद ही देखिए किस तरह चेयरमैन साहब पत्रकार को धमकाते हुए दबंगई दिखा रहे हैं। जी हेलो जी, ज्यादा बड़े पत्रकार बन गए क्या आप? क्या हो गया? वो नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि फोन कर रहा है ईओ को और एसडीएम को भी ज्यादा, मतलब ये है ये हमारे प्यार का बदला क्या? ईओ साहब को फोन किया मैंने, सिर्फ ईओ साहब, ये हमारे प्यार का बदला क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ईओ साहब को मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ सुनाओ। मैं चेयरमैन दूसरे किस्म का हूँ। मैं प्यार में प्यार रखता हूँ और टकरार में जो है ना, मुझे बहुत अच्छी टकरार आती है। बताएं आप, लैंग्वेज, सुनो मेरी बात, आप मेरे छोटे भाई हो। हाँ हाँ, आप भी हमारे बड़े भाई, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे सामने, मेरे आदमी के सामने लैंग्वेज ऐसी बोलना जिससे मुझे अच्छा लगे। तो लैंग्वेज तो हमने यहाँ पे कोई इस्तेमाल ही नहीं की भाई साहब, आपसे बात कर रहे हैं बस, यही है आपको फोन किया है, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ ना, चैनल मैंने लगवाया, ईओ मेरे मुझसे बॉस है, मेरे बॉस है क्या ईओ? जी ईओ मेरा बॉस है क्या? अरे हम तो आपको फोन कर सकते हैं या ईओ साहब को फोन कर सकते हैं, पहले आपको फोन किया हमने, जब आपने फोन नहीं उठाया तब ईओ साहब को फोन किया। मैं नमाज पढ़ रहा था 6 जुमे की। जी अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जो है ना भाइयों के लिए ना होने चाहिए, दूसरों के लिए होने चाहिए। नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की है। मेरी बात सुनो, अभी तुम वो वाले पत्रकार भी ना हो तो चेयरमैन पे असर पड़ जाएगा। अरे जो बात, मैं सुनो मेरी बात, जितनी मैं तुमसे तमीज से बात करता हूँ ना, बस मुझे भाई वाला चेयरमैन समझो। तो भाई वाली ही बात कर रहा हूँ, हमने सिर्फ इतना, फिर अपनी जुबान जो है ना वैसे ही बोलनी चाहिए संभल के, कि चेयरमैन को बुरी ना लगे। तो मैंने कुछ कहा आपको? वो नहीं बकान ले आ गया भैया, मैंने आपको कुछ कहा ये बताएं आप? तो किससे कहा तो सुनो, आपने, मैंने आपसे ये कहा, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, आपने कहने लगा कि कोई बात नहीं, मोहब्बत में लगा गया। मेरी बात सुनो, हाँ बताएं। वो मेरे से नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि तेरे पहले फोटो खींच रहा है, फिर मैं एसडीएम को फोन करूंगा, उन्होंने कहा यार हम तो मोहब्बत में लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, ना ही तो मैंने एसडीएम का नाम लिया है, ना ही मैंने एसडीएम, हमारी बॉस एसडीएम क्या करेंगे उसमें? अब तो भाई साहब इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू ना है, जितनी बड़ी बात ऐसा है, सुन ले मेरी बात, पत्रकारी कर, हम मन न कर रहे, मगर हमारी मोहब्बत न कर, हमारी वो मत दिखा दे कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। अरे यार चेयरमैन साहब, फिर वही वाली बात कर रहा, मैंने तो बात किया, मैंने आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि मैंने कहा पीछे तू इतनी बकवास करी है मेरे आदमी से, तो मुझे क्या लगेगा तू मेरा मुझसे प्यार करता है, मुझसे बगावत करिया? आपको कैसा लग रहा है, मोहब्बत नहीं करता मुझसे? मोहब्बत ऐसे होती है कि मेरे आदमी के सामने तू मुझसे बकवास कर रहा है उनसे? क्या बात की है ये तो बता दो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है चेयरमैन साहब। वो मेरे से नहीं भाई, कह रहे हैं कि तेरी फोटो खींच के, कह रहा है मैं ओला वगैरह लाओ, मैं करता हूँ बात उससे। अरे तो, अरे तो ये अपने छोड़ना यार, लग गया खत्म करिए आप। चलो ठीक है, वो प्रधान जी का फोन आया।